की आज की बड़ी खबर एमएनएस न्यूज के साथ। महंगी पड़ी रही गुटखा सुगंधित तंबाकू की तस्करी, अब तक तस्करी में लिप्त वाहन चालकों को होगा लाइसेंस रद्द। एफडीए ने सभी ट्रांसफरों को किया खबरदार। नागपुर गुटखा सुगंधित तंबाकू जैसे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की तस्करी वाहनों से करने वाले पर अब एफडीए सख्त रुख अपनाने जा रहा है। तस्करी के लिए वाहन का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों की इस कार्रवाई के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन और वाहन चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है कि राज्य के सभी अन्य विभाग के सहायक आयुक्तों को यह नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। इस बारे में जानकारी देने उद्देश्य से नागपुर के अन्य विभाग के साथ आयुक्त शशिकांत केकरे ने शहर के ट्रांसफरों के साथ बैठक की और उन्हें अवैध खाद्य पदार्थों को यातायात करने संबंध में सचेत रहने के लिए सूचना दी गई है। यह नियम लागू हो चुका है। प्रतिनिधि खाद्य पदार्थों की तस्करी करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसके चलते परिवहन आयुक्त द्वारा गुटखा पान मसाला सुगंधित तंबाकू जैसे पदार्थों के यातायात करने पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया था, जिसके सरकार ने मंजूरी दी गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। इस बारे में नागपुर शहर के अन्य विभाग के सहायक आयुक्त मिलिंद देशपांडे ने बताया कि ट्रांसफरों का मीटिंग ली गई थी। सभी को समझाया गया है कि किसी भी तरह के माल को यातायात करने से पहले जांच कर ले, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।